शिक्षक साथियों नमस्कार, मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो उन शिक्षक बंधुओं के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक की परीक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं, तो उनके लिए डीएलएड तथा बीएड विषय से संबंधित इस वीडियो में 75 प्रश्नों के उत्तर समझ के साथ दिए जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न अपने आप में यूनिक हैं और यही सब प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में आया करते हैं और संभवतः यही सब प्रश्न प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो, 75 प्रश्न देखते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप भूल जाएंगे, आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर दें, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियो का लौट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर प्रश्न अर्थात 76 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 150 नंबर तक चलेंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्न को हल करते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। यहाँ विकल्प है दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना और प्रत्यक्षण संवेदना। तो यहाँ पर 76 का सही विकल्प हो जाएगा सी, ध्वनि संवेदना। 77 नंबर प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। विकल्प ए है 4 से 8 साल, बी है जन्म से 2 साल, सी है 2 से 7 साल, डी है 5 से 8 साल। तो 77 का उत्तर हो जाएगा सी, 2 से 7 साल। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी बात की बाल्यावस्था बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, डी, काल्पनिक भयों का अंत। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये जो है बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। विकल्प ए है पैवलव, बी है बिने, सी है चोमस्की, डी है मास्लो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चोमस्की। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में किस शीर्षक से सिद्ध किया। ए, संज्ञानात्मक अधिगम, बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी, संकेत अधिगम, डी, स्थान अधिगम। तो 80 का उत्तर हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं भूल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सी, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 जिसे कहते हैं के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो 4 विकल्प है, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, बी, रटने को महत्व प्रदान न करना, सी, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, डी, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो यहाँ 82 का उत्तर हो जाएगा अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसे NCF 2005 कहते हैं उसमें ये शामिल नहीं है। बाकी ये BCD तीनों जो हैं, रटने के महत्व को न देना और पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सभी NCF 2005 के अंग हैं। तो इसका ए सही उत्तर होगा अर्थात ये नहीं है। अगला नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। विकल्प है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, बी है, विद्यालय में आने से पहले बच्चे को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, और सी है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, डी है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। ए, औपचारिक संक्रियावस्था, बी, पूर्व संक्रियावस्था, सी, मूर्त संक्रियावस्था, डी, संवेदनात्मक गमक अवस्था।
तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 85 नंबर प्रश्न, परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ए बी सी जो तीनों विकल्प हैं सभी परामर्श के उद्देश्य हैं। अब अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, चार विकल्प है, प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, योजना बनाना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, ए पृथक्करण, बी अनुप्रयोग, सी तुलना, डी अन्वेषण। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी अन्वेषण। अगला प्रश्न, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया, ए फ्रोवेल, बी डब्ल्यू एच किलपैट्रिक, सी मिस हेलेन पार्क हॉट्स, डी डाल्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मिस हेलेन पार्क हॉट्स। अगला प्रश्न, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो चार विकल्प हैं, किसका बढ़ावा देते हैं, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, सहयोग की भावना को। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, ए सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बी बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, सी बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, डी बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने की। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। अगला प्रश्न, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, डी नहीं सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, और डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है। अगला प्रश्न, बच्चा किस प्रकार सीखता है, ए पुस्तकें पढ़कर, बी परिचर्या द्वारा, सी प्रश्न पूछकर, डी कई प्रकार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कई प्रकार से। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, चार विकल्प हैं, विकल्प देखा जाए, विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, बी त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, सी विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, डी कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, अर्थात जहां अधिगम होगा त्रुटि होना होगा ही होगा। अगला प्रश्न, मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छा अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है, ए प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बी उसके माता पिता अनपढ़ हैं, सी उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, डी गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है, एक अच्छा अध्यापक, अब चार विकल्प है, ए है अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, बी है सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है, सी है विद्यार्थियों में सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, डी है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों में सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, ए तर्क, बी व्यवहार, सी चिंतन, डी अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, व्यवहार। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, ए समीपस्थ अनुबंधन, बी नैमितिक अनुबंधन, सी प्राचीन अनुबंधन, डी चिन्ह अनुबंधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नैमितिक अनुबंधन। अगला प्रश्न, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बी बौद्धिक विकास,
तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, बच्चे में बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है, ये एक रेंज दिया हुआ है। चार विकल्प है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सामान्य बुद्धि लब्धि। अगला प्रश्न है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में किसके उदाहरण हैं, ए स्वतः शोध एल्गोरिदम, सी ए स्वतः शोध, बी एल्गोरिदम, सी मानसिक वृत्ति, डी प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए स्वतः शोध। अगला प्रश्न, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो चार विकल्प है, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, बी शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, सी शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। चार विकल्प हैं, कब शांत करनी चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी कुछ समय के पश्चात, डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उसी समय करना चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा जाहिर किया जाता है। अगला प्रश्न, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ए विकल्प है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बी है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, सी आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, डी है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो सही उत्तर यही होगा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाएंगे, अर्थात मातृभाषा को अंग्रेजी से जोड़ेंगे। पुरस्कार एवं दंड हैं, ए सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा सी कृत्रिम प्रेरक। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, ए बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी गृह परीक्षा द्वारा, डी लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प दिया है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, ये नियम लागू है 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर। अगला प्रश्न, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय का, बी बाल मनोविज्ञान का, सी शिक्षा संहिता का, डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अध्यापन विषय बाल मनोविज्ञान दोनों का होना चाहिए, उत्तर होगा डी। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, वह अधिक जिज्ञासु है, क्योंकि जिज्ञासु विद्यार्थी ही अधिक सवाल करते हैं। अगला प्रश्न, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या कहेंगे, ए आप बच्चे को सजा देंगे, बी आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, सी आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, डी आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आप कारण पता लगाएंगे और प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। अगला प्रश्न, सीखने का वह अधिक
सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। सीखने का वक्र, बी सीखने का पठार, सी स्मृति, डी अवधारणा। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी सीखने का पठार। अब अगला प्रश्न बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बुद्धि लब्धि ए है मानसिक आयु गुना वास्तविक आयु, बी है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, सी है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, डी है वास्तविक आयु जोड़ मानसिक आयु। तो सही उत्तर सी होगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। अगला प्रश्न सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? तो कोहलर, पेवलाव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, ये एक तरह से विज्ञान का है और यहाँ बाल मनोविज्ञान से ये संबंधित है। तो विकल्प है 22, 23, 24 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी 23 जोड़े। अगला प्रश्न क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया? हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। तो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर डी होगा, स्किनर ने। अगला प्रश्न कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का सिद्धांत, डी अधिगम का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अधिगम का सिद्धांत। अब देखिए ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यही विराम देते हैं। शेष भाग को हम लोग फिर कुछ प्रश्नों को 40 से 50 प्रश्नों का लॉट अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मुझे एक बार और रिक्वेस्ट करना है आपसे कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि शिक्षक शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित न्यूज अपडेट मेरे चैनल द्वारा समय समय पर दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद।